हेलो फ्रेंड्स, एके कार फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने है होंडा की गुड लुकिंग और मस्कुलर एसयूवी एलिवेट, और ये इसका VX वेरिएंट है और इसकी एक शोरूम प्राइस है 13,49,000 रुपये। और आज मैं हूँ स्मार्ट सिटी होंडा होशंगाबाद रोड भोपाल में, तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको लगभग 15,60,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और अगर आप इस शोरूम में विजिट करेंगे तो होंडा से मिलने वाली सभी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी का अगर आप पूरा फ्रंट का व्यू देखेंगे तो यहाँ पे आपको बड़े साइज का लोगो मिलता है क्रोम पे, और इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे क्रोम की चौड़ी पट्टी मिल जाती है जो गाड़ी के लेफ्ट से लेकर राइट तक कनेक्ट करती है पूरे बोनट एरिया को, देखने में मस्कुलर लगती है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रिल दी गई है, नीचे स्पेस है लेकिन ऊपर अच्छी तरह से कवर किया गया है पूरा ही। अगर आप ग्रिल वाला एरिया देखेंगे ना तो बड़े साइज का, जिसकी वजह से इसका लुक मस्कुलर लगता है। यहाँ पे देखेंगे तो इंडिकेटर दिया गया है और यही आपको DRL का काम करता है। नीचे देखेंगे तो पूरा LED में हेडलैम्प यूनिट दिया गया है और इसका थ्रो बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में आपको फॉग लैंप दिया गया है LED पे, और उसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो सिल्वर पे आपको दिया गया है पूरी बम्पर फ्रंट का, देखने में अच्छा लगता है। और ये कलर भी देखेंगे तो प्यारा लगता है यार, गाड़ी तो गजब की लगती है पूरा। अगर साइड का व्यू देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। अब एक बार हम इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर लेते हैं। 4312 mm इस गाड़ी की लेंथ है और 1790 mm इसकी चौड़ाई है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे वाइपर और वॉफर दिया गया है जो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपकी नज़र जाएगी इसके टायर पर। यहाँ पर देखेंगे तो टॉप एंड और इसके वाले वेरियंट में आपको 17 इंच का टायर मिलता है, पूरा डायमंड कट में है और इसका एलॉय व्हील का डिज़ाइन देखने में अच्छा लगता है। ऊपर देखेंगे तो पूरा ही आपको क्लैडिंग दी गई है मैट ब्लैक फिनिश में जो गाड़ी के चारों ही तरफ से देखने को मिलेगी, जो इसके लुक को इन्हेंस करती है, थोड़ा सा मस्कुलर बनाती है। उसके बाद आप पूरा ORVM देखेंगे तो बड़े साइज का दिया गया है, यहीं पे इंडिकेटर है और एक अच्छी चीज़ है यहीं पर आपको मिल जाता है कैमरा। अगर आप लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन करेंगे तो ये कैमरा ऑन हो जाता है और पूरी लेन आपको दिखाने लगता है। पूरा देखेंगे विंडो एरिया बड़े साइज का है, नीचे क्रोम का यूज किया गया है जो लुक को थोड़ा सा इन्हेंस करता है, सुंदर बनाता है। ऊपर देखेंगे तो सिल्वर कलर में रूफ रेल दी गई है और इस गाड़ी में आपको सनरूफ भी मिल जाता है जो टॉप एंड और सेकंड टॉप वेरिएंट में मिल जाता है। और उसके बाद नीचे देखेंगे तो डोर के नीचे भी यहाँ पे क्लैडिंग दी गई है, थोड़ा सा अच्छी लगती है, लुक को मस्कुलर बनाती है। जैसे ये बहुत दिनों बाद ये SUV लॉन्च हुई है ना, तो लुक ज़बरदस्त है। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर में मिल जाते हैं और यहाँ पर फ्यूल टैंक का मिल जाता है, ये सिर्फ आपको पेट्रोल में मिलती है, डीजल में नहीं मिलती है। पीछे वाले टायर में देखेंगे तो ड्रम ब्रेक है, आगे वाले में डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अब एक बार इस गाड़ी का पूरा साइड का व्यू देखिए, 2650 mm इसका व्हील बेस है जिसकी वजह से अंदर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठ कर दिखाऊंगा आपको, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा आपको स्पेस मिलेगा। इसका पूरा रियर का व्यू देखेंगे तो जिस टाइप से पूरा फ्रंट का व्यू लगता है ना, उससे भी शानदार इस गाड़ी का पूरा रियर का व्यू लगता है। और पूरा ही LED पे दिया गया है जो रात के टाइम में जब ये LED ऑन रहती है ना, तो गजब का लुक मिलता है। क्रोम का लोगो मिल जाता है बड़े साइज का। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंटेन लैंप, फार्क फिन, एंटीना, स्पॉइलर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर आप पूरा इस गाड़ी का पूरा एक्सटीरियर का व्यू देखेंगे ना, तो कहीं से भी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि सारी चीज़ें टॉप एंड वेरिएंट की तरह है। यहाँ पे टेल लैंप है LED पे, ये कनेक्टेड नहीं है, हाफ हाफ में रहता है, लेकिन गजब का सुंदर लगता है। पूरा बड़े साइज का दिया गया है और यहीं पे आपको इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग वाला लैंप दिया गया है। नीचे एलिवेट की बैजिंग दी गई है, पूरी क्रोम पे लिखा हुआ है, अच्छा लगता है। नीचे रिफ्लेक्टर दिया गया है, चार रिवर्स पार्किंग वाले सेंसर मिल जाते हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा सिल्वर पे दिया गया है रियर का बम्पर जो मस्कुलर लगता है। इस गाड़ी की अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 220 mm का मिल जाता है जो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। अगर आप याद करेंगे तो थार में आपको मिलता है 226 mm का, जैसे IVTEC की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, जो मैं थार की बात कर रहा था 226 mm का मिलता है और इसमें 220 mm का, सिर्फ 6 mm का ही फ़र्क है। बूट ओपन करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो पूरा अच्छी तरह से कवर किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पावरफुल ट्रे मिल जाता है और इस गाड़ी में आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस भी मिलता है 458 लीटर का। बड़े साइज के बैग दो आराम से बैठ जाएंगे और दो तीन छोटे साइज के बैग भी बैठ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बूट लैंप भी है। साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पूरी तरह से हुक ग्रॉसरी वगैरह रखने के लिए, दोनों ही साइड दिया गया है। पूरा बूट स्पेस देखेंगे तो फ्लैट है, ऐसा नहीं है कि सामान को रखने और उतारने में कोई दिक्कत आएगी, आराम से आप सामान चढ़ा सकते हैं। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 16 इंच का टायर दिया गया है, अंडर साइज है, कोई दिक्कत नहीं, सभी गाड़ियों में आपको इसी टाइप से मिलता है। ये तो हो गया इसके पूरे बूट स्पेस की कहानी। और नीचे यहाँ पे कैमरा मिल जाता है पार्किंग वाला। ये तो हो गया इस गाड़ी के पूरे बाहर का व्यू और बूट स्पेस की कहानी। टेल लैंप तो गजब के लग रहे हैं यार। अब एक बार हम ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं कि अंदर क्या चीज़ें मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरी तरह से स्मार्ट की मिलती है, पैसिव एंट्री मिल जाती है,
पूरा डोर ट्रिम देखेंगे तो बीज कलर और डार्क ग्रे कलर का यूज किया है, देखने में अच्छा लग रहा है। ऊपर देखेंगे तो पूरा हार्ड फ्लैप, ठीक है, यहाँ पे सिल्वर कलर का यूज किया गया है। ओपनर भी देखेंगे तो सिल्वर पे है, यहाँ पे देखेंगे तो बीज कलर लेकिन हार्ड फ्लैप, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा फैब्रिक का यूज किया गया, सॉफ्ट टच है, स्टिचिंग है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है। ORBM को आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और एडजस्ट कर सकते हैं। चारों पावर विंडो के बटन दिए गए हैं। ड्राइवर साइड को आप वन टच अप डाउन कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो 1 लीटर की बोतल आराम से बैठ जाएगी। और यहाँ पे आपको स्पीकर और ऊपर आपको ट्विटर मिल जाता है। म्यूजिक क्वालिटी गजब की है, कोई दिक्कत नहीं है। होंडा की सभी गाड़ियों में आपको गजब का म्यूजिक मिलता है। सीट देखेंगे तो आपको पूरी ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। सीट तो गजब की है। और अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं ना तो वहाँ पे तो पूरा ही आपको लेदर वाला मिलता है। थाई सपोर्ट भी आपको ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी भी दूरी का अगर आप ड्राइव करते हैं ना तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी। पूरी ही बकेट टाइप से सीट है। साइड में यहाँ पे एयरबैग नहीं है लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाता है। सीट को आप हाइट और रिक्लाइन दोनों ही एडजस्ट कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है यार, डुअल टोन पे है जिसकी वजह से इसकी सुंदरता पे 4 चांद लग रही है। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे तो अच्छा है। ऊपर हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। यहाँ पे एसी है। सराउंडिंग में सिल्वर कलर का यूज किया गया है जो देखने में अच्छा लगता है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बीज कलर है लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में ये सारी चीज़ें आपको सॉफ्ट टच में मिल जाती हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए नीचे आपको ABC पैडल डेडिकेटेड आपको डेड पैडल भी दिया गया बड़े साइज का। यहीं से आप फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं और बोनट ओपन कर सकते हैं। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूं, उसके बाद आपको एक एक करके सारे फीचर्स बताता हूं कि गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। जैसे आप गाड़ी में बैठ के इसका डोर बंद करेंगे ना, जो धड़ की आवाज़ आती है ना, आपको बहुत सुकून देगी। ऐसा लगेगा कि ये कम से कम 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार है। पूरा स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन देखेंगे तो टॉप एंड वेरिएंट की तरह ही है, लेदर रैप किया गया है। स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा डी कट टाइप से भी फील होता है। बीच में क्रोम का लोगो मिल जाता है और दोनों साइड देखेंगे तो हॉर्न दिया गया है और नीचे ही आपको एयरबैग भी दिया गया है। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम और टेलीफोनिक का कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे आप वॉल्यूम अप डाउन या फोन रिसीव्ड और कट कर सकते हैं। इधर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको एडाफ और क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप पूरा स्टीयरिंग देखेंगे तो अच्छा है। इधर देखेंगे तो वाइपर का कंट्रोल है और इधर देखेंगे तो हेडलैम्प और फॉग लैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। पूरा क्लस्टर देखेंगे तो बड़े साइज का है। बीच में आपको MID मिल जाती है। टेकोमीटर आपको मिल जाता है पूरा एनालॉग पे और स्पीडोमीटर आपको डिजिटल मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो इसको आप एक बार मैं देख लेता हूँ, टिल्ट कर सकते हैं और टेलीस्कोपिक भी कर सकते हैं, यानी दोनों ही फंक्शन आपको मिल जाते हैं जो बहुत अच्छी बात है। अब आपकी नज़र जाएगी इसके पूरे इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। यहाँ पे देखेंगे तो बड़े साइज का दिया गया है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है टॉप एंड वेरिएंट से। यहाँ पे 7 इंच का मिलता है, टॉप एंड वेरिएंट में आपको 10.5 इंच का मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। यहाँ पे सिल्वर कलर के यूज किया गया है। नीचे AC मिल जाता है, बीच में हजार बटन है। पूरी तरह से ऑटोमेटिक आपको क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और AC तो बहुत गजब का है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कूलिंग करता है। नीचे आपको प्रीमियम क्वालिटी के बटन मिल जाते हैं और यहाँ पे भी सराउंडिंग में सिल्वर का यूज किया गया है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट और दोनों ही साइड आप देखेंगे तो जैसे इधर साइड आपको 12 वोल्ट का सॉकेट और यहाँ पे USB का दिया गया है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चार्जिंग का सपोर्ट है। इधर देखेंगे तो आपके, एक बार मैं इसकी की बात कर लेता हूँ, की तो प्रीमियम लगती है, टॉप एंड वेरिएंट की तरह ही है, थोड़ी सी बजनी की है, देखने में अच्छी लगती है। इसे आप लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को। उसके बाद आप पूरा यहाँ पे देखेंगे गियर बॉक्स के बीच का डिज़ाइन। यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। पूरा लेदर रैप है। आपको यहाँ पे मिल जाता है हैंड ब्रेक और आर्मरेस्ट भी दिया गया है। डिफरेंट साइज का है, छोटा मोटा सामान आप इसमें भी रख सकते हैं। पूरा सेंट्रल कंसोल देखेंगे तो प्रीमियम लगता है। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल IRBM मिल जाता है। बीच में कैबिन लाइट मिल जाती है, LED पे अच्छी ब्राइट है। दो आपको बटन दिए गए हैं, एक आपको लाइट के लिए, दूसरा आपको सनरूफ यूज करने के लिए। सनरूफ भी देखेंगे तो डिफरेंट साइज का है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अगर आप बाहर निकलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। को ड्राइवर साइड देखेंगे तो मिरर मिल जाता है और ड्राइवर साइड देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इधर देखेंगे को ड्राइवर साइड आपको एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल भी दिया गया है और ड्राइवर साइड देखेंगे तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। उसके बाद आप पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखिए यार, सच में प्रीमियम लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने की बात है, प्रीमियम तो लगता है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 लेयर पे कलर दिया गया है, ऊपर डार्क ग्रे, बीच में पूरा ग्लॉसी फिनिश और नीचे आपको बीच कलर। नीचे देखेंगे तो डिफरेंट साइज का ग्लव बॉक्स भी है, कोई भी आपको लाइट नहीं दी गई है अंदर। और जैसे एयरबैग की बात करूँ तो आपको, मुझे लगता है कि इसमें 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स ही मिलते हैं, जो मुझे लग रहा है कि बेस वेरिएंट से दिए गए होंगे। एक बार मैं इसकी कंफर्म कर लूँगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता भी दूँगा। तो इसकी मुझे कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। अब एक बार मैं ड्राइवर साइड की, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एक बार पीछे का डोर ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें दी गई हैं। जैसे पीछे का आप डोर ट्रिम देखेंगे तो ये भी प्रीमियम लग रहा है। जैसे यहाँ पे भी आपको सिल्वर कलर, बीज कलर और थोड़ा सा सॉफ्ट टच वाला भी दिया गया है।
दिखने में ओवरऑल पूरी कहानी अच्छी है। पीछे वाली आप सीट देखेंगे तो सीट में तो कोई आप शिकायत कर ही नहीं सकते यार, सीट तो ज़बरदस्त एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, अच्छी खासी आपको कुशनिंग में सीट मिलती है, चौड़ी सीट है, 3-4 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं पीछे वाली सीट में, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। और अगर आप देखेंगे ना तो थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है और रिक्लाइन सपोर्ट भी। एक बार मैं आपको पूरा स्पेस वाली कहानी बता ही देता हूँ कि कितना स्पेस मिलता है। आगे वाली सीट को मैंने पूरा ही पीछे किया हुआ है, जितनी इसकी क्षमता थी पूरा पीछे किया हुआ है। उसके बाद आप पूरा स्पेस देखिए, लेग रूम देखिए, नी रूम देखिए, अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता पीछे वाली सीट में, टॉप एंड वेरिएंट में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हम्प देखेंगे तो ना के बराबर है, ऊपर एसी दिया गया है। और आप एक बार पूरा स्पेस देखिए यार, कोई कमी भी नहीं है। और अगर आप पीछे बैठे हैं तो कुछ इस टाइप से आपको पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिखेगा जो प्रीमियम लगता है। और बड़े साइज का सनरूफ भी मिल जाता है, एक लाइट आपको पीछे भी मिल जाती, सभी लाइट आपको एलईडी पे दी गई जिसकी वजह से अंदर अच्छी खासी रोशनी मिल जाती है, कोई कमी नहीं है। स्पेस तो अच्छा खासा है यार, स्पेस में तो आप कोई शिकायत कर नहीं सकते क्योंकि बड़ी गाड़ी है, अच्छा खासा आपको व्हील बेस मिल जाता है जिसकी वजह से स्पेस अच्छा है गाड़ी के अंदर। ये तो हो गई गाड़ी के पूरे अंदर और बाहर की कहानी, अब एक बार हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। लुक तो ज़बरदस्त लगता है यार, पूरा आप साइड से देख लीजिए, आगे या पीछे से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए इस गाड़ी को, ये गाड़ी आपके मन को भा जाएगी, इस टाइप से पूरा लुक दिया गया है। इंजन की बात करें तो 1498 सीसी का BF652 वाला फुली रिफाइंड पावरफुल इंजन दिया गया है जो 6 स्पीड की मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। और इसे आपको लगभग 120 BHP की मैक्सिमम पावर और 145 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन से आपको लगभग 16 KMPL की माइलेज भी मिल जाती है। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।